अगर आप अपनी हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर आने वाली सभी कॉल और एसएमएस को आप अपनी इस बाइक के मीटर पर देख सकें, तो इसको स्टेप बाय स्टेप ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। बस बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक वन बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले इस बाइक में सुपर स्प्लेंडर में आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता था, लेकिन अब आपको इसमें फुली डिजिटल मीटर मिलने लगा है। जो आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस में मिलता है एक्सटेक वाली में, वही इसमें मीटर मिलता है और जो उसका प्रोसेस है सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, लेकिन मैं सुपर स्प्लेंडर का स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिससे सब लोग देख सकें। तो अब यहाँ पर आपने देखा, सबसे पहले मैं ऑफ करके आपको दिखाऊँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कॉल एसएमएस ब्लूटूथ और बैटरी का ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब मैं अपने मोबाइल का लॉक खोल लेता हूँ और आपको दिखाना शुरू कर देता हूँ। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप उस पर सर्च करेंगे हीरो राइड गाइड, ये एप्लीकेशन आपको सर्च करना होगा। फिर उसके बाद ये परमिशन मांगेगा और ये अलाउ 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 ये सब कुछ आपको कर देना। अब ये देखिए, ये परमानेंट मैनुअली मांगेगा सब कुछ, मैंने इसमें परमिशन दिया हुआ है लेकिन फिर भी ये परमिशन मांगेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले मैं मिनिमाइज़ करके सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेटिंग में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ सर्च बार में ऐप परमिशन, और ये कहाँ गया भाई, कहाँ गया ऐप परमिशन, यहाँ पर हीरो राइड गाइड और अलाउ ऑल द टाइम, ये हमने कर दिया है। और इसके बाद मैं फिर से जाता हूँ हीरो राइड गाइड और यहाँ पर गेट स्टार्टेड। अब हो जा यार, ये सैमसंग का मोबाइल है भाई, अब ये बताओ अब इसमें क्या हो गया, अब ये तो काम ही नहीं कर रहा है। मोबाइल तो बहुत तगड़ा है हमारा। अब ये देखिए, अब जैसे गेट स्टार्टेड, अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्सट्रीम एक्सपल्स, मतलब बहुत सारी बाइकें हैं, टाइम ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे, अब इसमें आप सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने ओके किया और यहाँ पर ब्लूटूथ ये सर्च कर रहा है। अब ये कह रहा है गो टू ऐप सेटिंग, मैं ऐप सेटिंग में गया और सारी परमिशन मैंने दे रखी है, लेकिन फिर भी यार नौटंकी रहती है। तो फिलहाल मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ये रहा ये आ गया। अब ये मैं बाइक का नाम दे देता हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी दे देता हूँ, डब्लू कर देता हूँ। अब ये देखिए ओके, अब ये कनेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे जाकर इसमें हीरो राइड गाइड को परमिशन दे देनी है, अलाउ अलाउ बहुत हो रहा है भाई। अब ये कनेक्ट हो चुका है, अब यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ब्लूटूथ और बैटरी का सिंबल बन चुका है। अब प्रूफ देने के लिए मैं इस मोबाइल से इसको फ़ोन करता हूँ। ये मेरा नहीं है, देखिए ये मोबाइल की स्थिति देख लीजिए, इसकी वजह से कम लाइक कर दीजिए। किसी का मैं मांग के लेकर आया हूँ, कम से कम भाई लाइक तो कर दो। अब मैं इसमें से कॉल करता हूँ और आप देखेंगे कि इस पर कॉल आने लगेगी, दूर कर देता हूँ। ये मैं नंबर छुपा के दिखा देता हूँ कि कॉल आएगी अभी। अब जानते हैं सैमसंग का मोबाइल है, इतनी जल्दी तो फ़ोन मिलता नहीं, आप तो ये जानना ही होगा। और ये कनेक्ट है, अब आ जाए ऊपर वाला करे। ये देखो अब मेरे जियो नंबर पर आ रही है फ़ोन, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। तो मैं इसको एक बार फिर से, ये यार सब चीज़ें तो दिख जाती हैं, इसीलिए तो कनेक्ट नहीं करता हूँ, सारी चीज़ें प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर मैं फिर से, अरे ये कनेक्ट हो जाने दीजिए, कनेक्टेड हो गया है। अब एक बार मैंने इसको जैसे टर्न ऑफ, अब फिर से मैं कॉल करता हूँ भाई, अब कॉलिंग हो रही है, देखिए ये कॉलिंग हो रही है और अभी उस पर आएगा। ये देखिए अब वहाँ से आपको फ़ोन दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, और यहाँ पर मैं नंबर नहीं दिखाऊंगा आपको, पहले ये देख लें एक्सटेक सुपर इस पर लिखा हुआ आ रहा है, एक्सटेक सुपर इस पर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि ये इस पर मतलब कि फ़ोन आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कैसे फ़ोन आ रहा है। अब मैं इसको काट देता हूँ और ये मिस कॉल बन गई, ये देखिए यहाँ पर ये मिस कॉल बन गई। अब मैं दोबारा से करता हूँ, ठीक है, अब मैं दोबारा करके आपको दिखा देता हूँ और मिस कॉल करके दिखा देता हूँ। आ जा, और देखो आपके लिए मैंने ये ले लिया है। अब वीडियो कैसी आ रही है, क्वालिटी वालिटी बता देना भाई।
ये 13 प्रो मैक्स है। ये नहीं कि मैं अपने सब्सक्राइबर को दिखा रहा हूँ, आप मेरे भगवान हैं, आप लोगों की वजह से जब मैं कुछ खरीदता हूँ तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। अब ये इस पे आने लगा भाई, अब क्या बताऊँ मैं क्या ही बताऊँ। इस सैमसंग से मैं इतना दुखी हूँ कि मैं क्या ही आपसे बताऊँ। अब फिर से मुझे इसको एक बार फ्लाइट मोड लगाना पड़ेगा। आप लोग देख लो, जब मैं सैमसंग की बुराई करता हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं तेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन देख लो आपके सामने खून सूख गया मेरा इससे। अब इस पे आएगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब देखा, अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से मिस कॉल करके। आजा यार मिस कॉल। ये देखिए अब आ रहा है और मैं आपके सामने इसको काट देता हूँ। ये फ़ोन काट दिया मैंने और यहाँ पर ये मिस कॉल बन चुकी है। अब मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ कि मैं सेंड मैसेज करता हूँ और आप लोग देखेंगे यहाँ पर सेंड मैसेज में जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एच कुछ भी लिख दूँगा, एम लिख के, और ऑप्शन में जाके सेंड कर दूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे अभी मैसेज आ जाएगा, सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए अभी आएगा मैसेज आपके सामने आएगा, ये आ चुका है ऊपर, आप देख सकते हैं ये मैसेज आ चुका है। मतलब कि इसको मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है। और ऐसे ही आप अपनी बाइक को कनेक्ट करके और उसके बाद आप कॉल और इसमें सारी चीज़ें इस बाइक से देख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ों की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि अगर आप एक मिनट इस ख़त्म मोबाइल को खोल लूँ तो भाई, अगर इसके मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने इसको कनेक्ट किया है और जैसे ही आप इसको स्विच ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर ये डिसकनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप ऑन करेंगे इसको यहाँ पर आप देखेंगे ये कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कनेक्टेड हो गया, मतलब आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कि ऐसा नहीं कि जैसे इसको स्विच ऑफ करने के बाद आपको दोबारा कनेक्ट करना होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बाइक दिखा देता हूँ, मैं एग्जिट कर देता हूँ इसको, ठीक है भाई, ख़त्म मोबाइल को। तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे ये है नई हीरो सुपर स्प्लेंडर जिसकी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, धन्यवाद। और ये TRL है इसकी, और बाकी साइड व्यू सब कुछ मैंने आपको दिखा रखा है। अब आपको ये बाइक कैसी लगी आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। ये है बैकलाइट प्रोफाइल, जो कि स्विच ऑन करने पर इसकी बैकलाइट ऑन रहेगी और जैसे ब्रेक लेंगे तब तो वो जलेगी। अगर मैं देख लेता हूँ, अगर स्टार्ट हो जाती है तो मैं साउंड भी सुनाई देता हूँ। और भाई स्टार्ट हो चुकी है, साउंड बढ़िया है। तो दोस्तों मैंने आपको फिर से एक बार कनेक्ट करके दिखाया। ये E20 पेट्रोल से चलेगी, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी सुपर स्प्लेंडर ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा रखी है। बाइक कैसी लगी ये आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए कनेक्ट करके दिखाया कि कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बाकी इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।